तो फाइनली दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A52 का 5G वेरिएंट इंडिया की BIS वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है। इसका मतलब गाइस ये बहुत ही जल्दी ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो कुछ ही दिन पहले दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी का A52 4G वेरिएंट इंडिया में लॉन्च किया गया था, लेकिन ग्लोबली गाइस सैमसंग गैलेक्सी A52 का 5G वेरिएंट भी लॉन्च हुआ था, लेकिन सिर्फ इंडिया में ही गाइस 5G वेरिएंट लॉन्च नहीं किया गया था, सिर्फ 4G वेरिएंट ही यहाँ पर हमें देखने को मिला था। लेकिन अब गाइस सैमसंग गैलेक्सी A52 का 5G वेरिएंट BIS की वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है। इसका मतलब गाइस बहुत ही जल्दी ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इनफैक्ट इसी अप्रैल के महीने में ही गाइस ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में देखने को मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में गाइस इस मोबाइल के सभी स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, साथ ही वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और आगे भी ऐसे और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले लुक एंड डिज़ाइन की दोस्तों अगर बात करें तो सेम वही लुक और डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। दोनों ही साइड फ्रंट और रियर साइड में दोनों की साइड सेम वही आपको लुक और डिज़ाइन देखने को मिलता है, जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी A52 4G वाले वेरिएंट में देखने को मिला था। तो लुक एंड डिज़ाइन में कोई भी डिफरेंस इस बार आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा गाइस डिस्प्ले की तरफ बढ़े तो यहाँ पर आपको इस बार भी 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है। तो डिस्प्ले भी आपको सेम ही मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको जो रिफ्रेश रेट है वो गाइस इस बार 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, जबकि जो 4G वाला वेरियंट था उसमें सिर्फ आपको 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलता था, लेकिन इस बार आपको 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है। तो यहाँ पर फोन का जो डिस्प्ले है वो गाइस काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा गाइस प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर में यहाँ पर आपको बड़ा अपग्रेड देखने को मिल जाता है, क्योंकि पिछला जो वेरिएंट था 4G वाला उसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G वाला प्रोसेसर मिला था, लेकिन यहाँ पर इस बार गाइस आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G वाला 5G प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर प्रोसेसर में ये काफ़ी बड़ा अपग्रेड आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस कैमरा की बात करें तो सेम वही कैमरा सेटअप आपको क्वाड कैमरा सेटअप बैक साइड में देखने को मिलता है, जो कि 4G वाले वेरिएंट में आपको मिला था 64+12+5+5 मेगापिक्सल। इसके अलावा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा फ्रंट साइड में है और यहाँ पर भी गाइस आपको OIS का सपोर्ट कैमरे में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बैटरी की बात करें तो 4500mAh की बैटरी है। अब फोन गाइस 25W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट जरूर करता है, लेकिन बॉक्स में आपको 15W का ही चार्जर जो 4G वाले वेरिएंट में मिला था सेम वही आपको 15W का ही चार्जर बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको नॉक सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कैमरा टू API वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा IP67 सर्टिफाइड है मोबाइल, इसका मतलब वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी A52 4G भी देखने को मिला था, तो वाटर में भी आपको इस मोबाइल को यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स वगैरह सब कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले में सिर्फ 120 हर्ट्ज और यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो गए स्नैपड्रैगन 750G, ये दो ही चेंजेस आपको इस 5G वाले वेरियंट में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा जो सेम वही स्मार्टफोन होने वाला है जो कि 4G वाला वेरियंट था, बाकी सभी फीचर्स आपको सेम वही देखने को मिल जाते हैं। एंड एट द एंड दोस्तों प्राइस की बात करें तो ये दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज़ का फ़ोन है। तो जो A सीरीज़ के सैमसंग के फ़ोन होते हैं वो गाइस काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी वो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसकी भी प्राइस दोस्तों आपको 30 से 35,000 के बीच में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जो इसका 4G वाला वेरिएंट है वो भी आपको 26,000 में मिला था स्नैपड्रैगन 720G के साथ। तो यहाँ पर तो आपको स्नैपड्रैगन 750G वाला 5G प्रोसेसर मिल रहा है। तो यहाँ पर जो इसका प्राइस है वो गाइस डेफिनेटली 30,000 से ऊपर ही आपको देखने को मिलने वाला है। खैर आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्पेसिफिकेशन कैसे लगे और क्या आप इस 5G वाले वेरिएंट के लिए वेट कर रहे हैं या फिर नहीं, और वीडियो कैसा लगा है वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आई होप कि गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही ऐसे ही और भी वीडियोस आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।